Today happens to be an extremely important day, and you people wanted to see how work from home looks like. But fortunately, this is a day where I am involved in work from office. We have a lot of matters listed today. That's why I'm here early today. I mean, I reached here early today. I've done all the arrangements and everything. क्योंकि अब अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो आपको अलग अलग डिवाइसेस में बहुत कुछ स्टार्ट करके भी रखना पड़ता है, जिससे कि आप बाद में लेट ना हो. आपको डेफिनेटली ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास कॉज लिस्ट है, आपके पास कोर्ट के लिंक्स हैं, ताकि आप वहाँ पर टाइम पर पहुँच पाओ. दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस आई एम हियर, एंड यू कैन सी द सेटअप दैट आई हैव हियर. वेरी सून वील बिगिन वर्किंग अगेन. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ लिमिटेशंस तो होती ही हैं इन ब्लॉग्स में. मैं आपको सब कुछ तो नहीं दिखा पाती, बट फॉर श्योर आई विल ट्राई टू शो यू एज मच एज पॉसिबल, एंड वील बिगिन द डे विद प्रेयर्स एंड गुड वाइब्स. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप फाइल्स फॉर द डे अलग ऑर्गेनाइज करके रख लो. ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अलग अलग मैटर्स चलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि आप बार बार अलमीरा खोलोगे और ऐसे बिल्कुल ही कोशिश करोगे कि कैसे ना कैसे करके मुझे मेरे मैटर की फाइल मिल जाए, कैसे ना कैसे करके मुझे नोट्स मिल जाए. मेरा अगर आप हर चीज़ में देखोगे, हमारा जो कि एटीट्यूड है वो है कि आपको हमारे हर फाइल में पेन पे उसके नोट्स भी मिलेंगे. और ये भी आई थिंक आपको करना चाहिए फॉर द डे, क्योंकि कोर्ट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप अपनी स्पीच देते चले जाओगे और कुछ भी इरेलीवेंट बोलते चले जाओगे. और जब हम अनप्लान्ड बोलते हैं तो वहाँ पर इरेलीवेंट बोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो एटलीस्ट कुछ पॉइंटर्स हमारे पास हमेशा होने चाहिए, सो दैट वी आर नॉट अनप्लान्ड, सो दैट वी आर नॉट अब्रप्ट बिफोर द कोर्ट, बट वी से एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट टू से, वॉट वी वॉन्ट टू कन्वे टू द कोर्ट. आई थिंक दैट्स एन हैबिट दैट वी ऑल मस्ट अडैप्ट, एंड आई एम ऑल्सो लर्निंग टू डू दैट each passing day. अब मैं आपको सीधा जहाँ मिलने वाली हूँ वो कोर्ट हियरिंग्स ही हैं. तो ऑनलाइन हियरिंग का फ़ायदा आप ये देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ एडवांटेज मिली कि उसी दिन पे हमारी हियरिंग्स अलाहाबाद हाई कोर्ट में थी, दिल्ली हाई कोर्ट में थी, तीस हज़ारी में थी, रोहिणी में थी, एंड वी कुड अटेंड ऑल ऑफ देम इन वन सिंगल डे. और एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी थी, वहाँ पर अभी इतना काम नहीं हो रहा है, एक नहीं दो थी वहाँ पर. तो उधर तो खैर कुछ चल नहीं रहा है, वहाँ पर क्लाइंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ सम रीज़न डेट्स ही लग रही हैं उधर. बट ऑन वर्चुअल हियरिंग्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प. हियरिंग हो जाती है, दिन ख़त्म हो जाता है. अभी तो खैर मिडल ऑफ द डे है, बट मैं एक चीज़ हमेशा भूल जाती हूँ. एक चीज़ नहीं, दो चीज़ें हैं. एक तो वो बैंड उतारना, कभी कभी तो बैंड पहन के ही बाहर घूम रहे हैं, पता नहीं लग रहा. दूसरा, डायरी को फिल करना. तो ऑफिस डायरी, अपनी पर्सनल छोटी वाली पॉकेट डायरी, ऐसी वाली मैं भरना भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों. वेरी बैड हैबिट. ऑल्दो अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन मुझे ऑर्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, बट इसके लिए मुझे अपने को काउंसिल से, एसोसिएट से बहुत डांट भी कई बार पड़ती है. येस, इवन आई गेट स्कोल्डेड, एंड आई शुड गेट स्कोल्डेड फॉर दिस. आई डिज़र्व इट, क्योंकि मैं डायरी फिल नहीं करती हूँ. और अगर किसी दिन ऐसा हो गया ना मेरे साथ गलती से कि डेट निकल गई, तो मुझे पता लग जाएगा. बट अब मैंने अपनी सारी डायरी फिल कर ली है, देख के ऐसे कॉपी कर लेते थे ना जैसे स्कूल में बच्चे, वैसे यार मैं कॉपी नहीं करती थी, नहीं, पर जैसे कर लेते थे ना, मैंने भी आज कर लिया. देखो, एडवोकेट बनने के बाद कॉपी कर लिया. मैं भूल जाती हूँ, आप मत भूलना. क्या नहीं भूलना पता है? अगर क्लैट एस्पिरेंट हो तो अनअकैडमी का क्लैट सब्सक्रिप्शन आपको डेफिनेटली लेना है. अगर कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा बैच लूँ, 6 मंथ्स का बैच ज्वाइन करूँ, 1 ईयर का करूँ, 2 ईयर का करूँ, मुझे तो 2 ईयर्स वाला करना था, अब तो वो निकल गया, या अभी मुझे तो 6 मंथ्स वाला करना है, अभी तो वो शुरू ही नहीं हुआ, डोंट वरी. अनअकैडमी हैज़ दिस वेरी नाइस ऑप्शन, फीचर, जो भी आप कह लो, एडवांटेज फॉर यू. और वो क्या है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली. ज्वाइन एज मैनी बैचेज एज यू कैन, लर्न फ्रॉम एज मैनी टीचर्स, एज मैनी एडुकेटर्स एज यू कैन, स्विच इन टू एज मैनी क्लासेज एज यू वॉन्ट. आपको लगता है कि मुझे 6 मंथ्स वाले बैच के जो मेंटोर हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो 1 ईयर वाले बैच के मेंटोर हैं वहाँ पे क्वांटिटेटिव बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप स्विच कर सकते हो बैचेस में, देर इज़ नो बार. मोर ओवर, इफ़ यू आर अ वी लॉगेस्ट सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर नहीं भी हो तो कितना टाइम लगता है, हिट दैट बेल आइकन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन. ये करने के बाद
आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो उसमें तो आपको फर्दर 10% डिस्काउंट, फर्दर 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ऑलरेडी प्राइजेज आर एट अ डिस्काउंटेड रेट ओनली फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव बीन एसोसिएटेड विद अनअकैडमी। बाकी आपको एक्चुअल प्राइजेज हैं क्या वो तो आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल ही जाएंगे, बट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर आई डोंट नो। माई रिकमेंडेशन फॉर टुडे इज़ द मास्टर लॉ बैच। मास्टर लॉ बैच से आप क्विकली क्लैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। 6 months अल्टीमेट प्रिपरेशन, योर गोल टू क्रैक द क्लैट एग्जाम, टू रीच NLU और एनी अदर डिजायर्ड कॉलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ योर चॉइस will be fulfilled. I have prayers and blessings for you all. If any delay is there is a delay on the part of prosecution. So my lord, there is no purpose cell to आवाज नहीं आ रही, देख ना जरा इधर से। Your lordship, I think your lordship voice is coming very low. My voice? Yes, now it's clear. Yes. And my lord, on the ground of Hearings were finally over for the day. It was indeed a very tiring day and a day where a lot of efforts went into hearings, and every hearing was conducted by judges. No judge was absent also. Finally, the day ended, but again today I faced a problem that often arises in online hearings. The honorable judge misunderstood what I was saying. तो एक पॉइंट था जहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने ये इंटरिम एप्लीकेशन स्टे लगाई है, क्योंकि जो मुझे पहला स्टे ऑर्डर मिला था उसके बाद में ये जजमेंट आई है, उसको मुझे ऑन रिकॉर्ड करना है। बट पता नहीं कैसे बहुत सारे लोग बीच में बोले जा रहे थे, अपना माइक म्यूट नहीं कर रहे थे। जज साहब ने सुन लिया कि ये जो जजमेंट आई है ये उस स्टे ऑर्डर से पहले की आई हुई है। तो आई वॉज टेकन अबैक बाय दिस। ही वॉज कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चनिंग मी एज टू आपने पहले क्यों नहीं लगाया, आप इतने टाइम से इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं आपका स्टे ऑर्डर वैकेट कर दूंगा। मैंने बोले जा रही थी कि जरा एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, या इन सबको आप म्यूट करवा दो तो मैं बोल लूँ। बट कोर्ट मास्टर भी म्यूट नहीं करवा पा रहे थे। इवेंचुअली उन्होंने वो मीटिंग एंड करी। जब दोबारा से वो मीटिंग उन्होंने चालू करी तो आई कुड ओनली से अ फ्यू वर्ड्स इन माई डिफेंस एंड द मैटर वॉज पोस्टेड फॉर द नेक्स्ट डेट। फॉर्चुनेटली कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं हुआ और बाद में उन्होंने उसको डिस्पोजल के लिए ही लगाया। फिंगर्स क्रॉस्ड। If you know me by now, you know how much I love water and warm water. Warm water is my bestest friend, if that's a word. If not, warm water is still my best friend. And we had our lunch by this time. After that, I went near my window because the window of our office was showing beautiful sun there. धूप आई थी बहुत दिन बाद, तो धूप मेरी सेकेंड बेस्ट फ्रेंड भी है। इट्स 4:30 PM, ऑलमोस्ट 4:30 PM, और कोई नहीं है, ऑलमोस्ट काम भी सब फॉर द डे हो चुका है। ऑल्दो आई कैन रिटायर फॉर द डे, बट आई नीड टू डू समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, दैट इज़ शूटिंग, एडिटिंग एंड अपलोडिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस। मेरे पास एक ऑफिस टूर भी पेंडिंग है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये व्लॉग पहले डालूं या ऑफिस टूर पहले डालूं। मुझे लगता है ऑफिस टूर पहले डालना चाहिए, वरना उसके बाद तो आप सबको पता लग ही जाएगा, मतलब आप इस वीडियो में ऑफिस देख ही लोगे, फिर उसकी तो क्या ही एक्साइटमेंट होगी। एनीवेज, एक और बात बताती हूँ। देयर वाज अ मैटर बिफोर द इलाहाबाद हाई कोर्ट टुडे इन विच वी हैड टू अपीयर फ्रॉम द साइड ऑफ द विक्टिम। सो अलाहाबाद हाई कोर्ट के रूल्स ये बोलते हैं कि आपको डेफिनेटली किसी लोकल एडवोकेट को जिसका नाम ऑन द रोल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अलाहाबाद हो उसका वकालतनामा फाइल करना है, उनके साथ आप अपना भी कर सकते हैं। बट सी दिस टेक्निकल डिफ़िकल्टी विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टैकल, समथिंग विच आई फेल्ट। सो विक्टिम फ्रॉम आर साइड, द विक्टिम रिसीव्ड अ नोटिस टू अपीयर so that they can be at the court, in the court at the time of hearing of the post conviction bail plea of the accused. And as per the notice, the victim could appear in person as well. अब अगर कोई इन पर्सन अपीयर होगा तो वो वकालतनामा कैसे फाइल करेगा, और अगर उसका नाम वकालतनामा से कॉज लिस्ट में नहीं आता फॉर द डे, तो अलाहाबाद हाई कोर्ट में देर इज दिस प्रोविजन, देर इज दिस प्रोटोकॉल दैट दे विल नॉट लेट यू जॉइन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग, आई मीन द हियरिंग हैपनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिस डेज।
I definitely conveyed my request, I conveyed my complaint, I conveyed that all the difficulties that I was facing, that we were facing. But eventually we got to know that this exists. Either we'll have to talk to the listing after going physically to the Allahabad High Court, which is not possible during this time especially, or we will have to file a new wakalatnama through a local council. So I texted a few people, and the advocates were kind enough to extend their help to me. One of them extended their help. अब उन्होंने मुझे WhatsApp किया वकालतनामा. उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं करवा दूंगा जो जो भी वहाँ का प्रोसीजर, वहाँ की स्टैम्पिंग, लोकल बार कूपन परचेज करना, लोकल कोर्ट फी परचेज करना, ये सब. इनफैक्ट लोकल कोर्ट फी तो ऑनलाइन मिल सकती है, पर बार कूपन नहीं मिलता है यूपी का ऑनलाइन, जो अलाहाबाद हाईकोर्ट में चाहिए. तो वो ये सब करेंगे और फिर होगा. अभी आज हमने वो सब कुछ बना के वकालतनामा साइन वगैरह करके, क्लाइंट के साइन करवा के उनको पोस्ट कर दिया है. गोइंग होम अ बिट अर्ली टुडे. आज मैंने सोचा थोड़ा सा घर पे जल्दी जाके देख लेते हैं कैसे हो, क्योंकि आज व्लॉग शूट कर लिया ना, तो एक और वीडियो शूट करने का तो है नहीं मेरे माइंड पे कोई बर्डन या प्रेशर या मन, तीनों चीज़ों में से कुछ भी हो जाता है. कभी कभी मुझे लगता है कि करना ही करना है, तो वो सोच के मैं कर देती हूँ. कभी कभी मन बहुत होता है, तो आज रुकना नहीं है शूट करने के लिए. एक चीज़ बता दूँ, बहुत एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाली हैं नेक्स्ट मंथ. बहुत सारे लोग थे जिनको केशवानंदा भारती केस के बारे में सब कुछ जानना था, मतलब बैकग्राउंड ये वो, और उनको ना थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए थी, उनको एनेक्टोट्स चाहिए थे केस से जुड़े, हियरिंग में क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ, कभी केस में कुछ मस्ती मजाक हुआ क्या, किसी जज ने रिक्यूज किया क्या, या कोई बीमार हुआ था क्या बाद में, एडवोकेट्स कौन थे, वो कैसे रिलेटेड है, आज उनकी क्या रेलेवेंस है, ये सब चीज़ों की एक सीरीज, अ सीरीज ऑफ टोटल 6 वीडियोस यू विल गेट टू सी नेक्स्ट मंथ ऑन वी लॉगिश. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. फरवरी में आपने देखनी जरूर है, आपको केशवानंदा पे सारी सीरीज मिल जाएगी. वो स्टूडेंट्स भी जो स्कूल से हैं, जो क्लैट एस्पिरेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिनका बहुत मन था ये देखने का, आई एम श्योर आप भी बहुत हैप्पी हो. हैप्पी हो तो नीचे बता जरूर देना यार, हैप्पीनेस बताने से ना हैप्पीनेस फैलती है, मतलब खुशी बढ़ती है, तो वो कर देना. मैं चलती हूँ बैग वैग लेके, ये लेके, बिकॉज दिल्ली है, ठंड बहुत है, बहुत ठंड है. बाय द वे गाइस, देयर इज अ हार्ड टू बिलीव स्टोरी दैट आई वांट टू टेल यू. ये मेरी चोरी हुई है, ये हमारी स्कूटी तब चोरी हुई थी व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल, और पता नहीं कैसे पुलिसमैन फाउंड इट, और कैसे क्या वो तो खैर हमें पता लग गया है. अब स्टोरी फॉर अनदर डे, किसी दिन रिवील करूँगी कि कैसे ये स्कूटी मिली और कितने लोगों के हाथ में ये गई. मतलब कैन यू बिलीव इट कि जिस स्कूटी पे FIR है वो कितनी बार बिकी, और पता नहीं कितनी ही बार लोगों ने खरीदी भी. उसकी RC भी हो गई, उसका इंश्योरेंस भी हो गया. देखते हैं अब इसका तो आगे क्या करना है, अपनी स्कूटी का भी केस करना है. बट पता नहीं क्या वियर्डो बना रखा है इसको.